हेलो हेलो गाइस, वेलकम करने तो गाइस, अपने यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आज फिर असी रिएक्शन देवे वीडियो दे, एक वीडियो का टाइटल बट है अमेरिकन गर्ल्स थिंक ऑफ इंडियन बॉयज के अमेरिकन कुड़िया इंडिया दे मुंडिया दे बारे की सोच सोच दियां ने सोच दियां किंज दा गंदा सच्चा बच्चा गंदा बना किंज दा सोच दियां। स्टार्ट करने वीडियो ते वेखने केहो जा सोच दियां। लेट्स स्टार्ट द अमेरिकन गर्ल्स थिंक ऑफ इंडियन गाइस। हाय गाइस, रोनवर्ड हियर, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर मायामी बीच में और मैं ये सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि व्हाट अमेरिकन गर्ल्स थिंक ऑफ इंडियन बॉयज। आज देखते हैं, वो तो मैं मेरीलैंड में बनाई थी, छोटा सा बीच था, अच्छा लगा था। बट यहाँ ये जो प्रॉपर मायामी का बीच है, यहाँ पर पूछेंगे और देखेंगे क्या सोचती हैं अमेरिकन लड़कियाँ इंडियन लड़कों के बारे में। व्हाट्स अप मैन, यहाँ कुछ लड़कियाँ हैं जो टिकटॉक वीडियोस बना रही हैं, फोटोज खींच रही हैं। दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई कीप आस्किंग लॉट ऑफ पीपल। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इंडिया, राइट? यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ इंडियन बॉयज। सो आई एम इंडियन टू। यस। So what do American girls think of Indian guys? What do you think about them? What do I think about them? Yes. Like in general? Yeah, general. What do you think? I think they dress well. Yeah, they dress well. Very well. They do. What, Indian guys dress very well? Yeah. Very polite. Yeah. Very polite. Nice hair. They smell cool. When did you smell an Indian guy? I would love to know that. That's what is your name, please? Julie. Julie? Emily. Emily? Maddie. Maddie, my name is Rohan and she's Reshma here. And we were just cruising around and we saw you guys clicking pictures. And best of luck and thank you so much for answering. What's your YouTube channel? I'll just give it to you. R-O-H-A-N? R-O-H-E-N. A-N. Are you from India? Yeah, but we live in New Jersey. Who's not in India? Yeah, we're not happy to hear you. No, why? People are really weird. They said weird things to us. It keeps getting like... Oh my god, maybe you guys are so pretty, that's why. I guess. Stop being so pretty. I think I'm just gonna put on sweatpants. But have fun and be safe, okay? Yes, yes. Thank you. Enjoy yourself, guys. Hey. Okay. So, पहले ही हम लोग यहाँ पर गुजर रहे थे तो आई मेट दिस पीपल आउट। कितने अच्छे से इन लोगों ने आंसर दिया है। इंडियन लड़कों के बाल अच्छे होते हैं, खुशबू अच्छी आती है और अच्छी तरीके से बात करते हैं। दैट इज ऑसम। अभी देखते हैं, किसी और से पूछते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सोचते हैं। पहला पार्ट बना है तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके आप देख सकते हो। Any tips for the Indian guys that you want to give? Yeah, come mess with Chicago boys. We need you, Chicago. मुश्किल से जा रहा है। रेशमा कहाँ जा रही है? हमारा पानी है ना, सही है ना, कोई पेट्रोल ना कोई और मेरी आवाज सुन रहे ना। हाँ, इस साइड बीच है, यहाँ बोर्ड वॉक जैसा बना हुआ है और यहाँ पर पूरे क्लब्स ही क्लब्स हैं। आप पर पोपट भी जा रहे हैं हमारे उधर से। कुकू को मिस कर रही है? ए देखो देखो दो घूम रहे, शोर मचाते मचाते बच्चा। आप Have fun, guys. Yeah, have thank fun, you, bro. Arishma, क्या करना है? हाँ? Dinner.
पक्का यहाँ नहीं खाना है क्यों? यहाँ पर सिर्फ टिप्पी मुझे $80 देना पड़ा लास्ट टाइम। महंगा है? अरे यार पर यहाँ पर रेस्टोरेंट अच्छे थे ना। अच्छे पर आई थिंक $80 में बाहर डिनर कर सकते हैं देने के बदले। हाय यू स्पीक इंग्लिश वेरी गुड फ्रॉम अर्जेंटीना ओह आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो व्हाट अमेरिकन गर्ल्स थिंक ऑफ इंडियन बॉय बट यू गाइस आर नॉट अमेरिकन बट यू गाइस आर अर्जेंटीनियन सो व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ इंडियन गाइस So can you translate whatever she's saying? How do I? Maybe like later, like she's speaking Spanish and then you translate it on English maybe, or whatever. Yeah, maybe I can. So que piensas? No, what do you think of? All right, me? Yeah. Have you ever met any Indian guy or boy? Well, I mean, cool. It's like sometimes be friendly. I don't know. It's like, I don't think about the race. Like, I don't That's think so like that. Even where you're from or whatever. Have you ever seen any Indian people? Yeah, and they're good. It's like, sometimes they overreact a lot. It's like really dramatic and everything. But they really have a good production. मैं तो घूमता ही रहता हूँ ऐसा और बात करते रहता हूँ मेरे साथ साथ बेचारी रेशमा भी मेरे साथ घूमती रहती है मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि वो यहाँ पर मतलब रिलैक्स करने आई है छुट्टी मनाने आई है और मेरे साथ ही घूमती रहती है पीछे पीछे मेरे मैंने उसको बोला भी व्हाट्सअप What is this? What are you driving? Need a ride. For tips. Uh-huh. So we can go in the ride and then we just need to pay you tip. Yeah. No fare at all. Yes, sir. Oh, and then if you go like 4 or 5 miles, how much tip people give you? Wherever you want. How much you got the maximum tip? $100? That's really nice. And what's the minimum you got? No, $1. That's it? Or whatever you want. Yeah. What's your name? Sena, and this is the card, guys. If anybody wants, call Sena. Right, thank you. No problem, lucky boy. ये जो गाड़ी मेरे पीछे है, अगर कोई यहाँ पर आता है, सिर्फ टिप देनी पड़ती है. How far have you gone? It's only on the South Beach area. Only on the beach. Like, तो यहाँ आने से पहले सुबह हम लोग गए थे एक mind blowing जगह पे, graffiti painting देखने. तो आप लोग वो पार्ट देख के वापिस आओ मैं आपको अच्छी फोटोज निकाल लें तो मायामी में एक बहुत ही फेमस नेबरहुड है जिसका नाम है वेन वुड नेबरहुड और यहाँ के जो स्ट्रीट्स हैं ना ऑलमोस्ट सारे स्ट्रीट्स पे ग्रफिटी पेंटिंग की हुई है तो आज घूमते हैं ग्रफिटी पेंटिंग देखते हैं और एंड टाइम पे ऐसी बारिश आनी जरूरी है यार आज का दिन अच्छे से शूट करना है छाता लेके आइए माई गॉड गाड़ी में लेके ओके शूज आर दिस इतनी लंबी लाइन है जूता खरीदने के लिए कुछ तो हम लोग जूते की लाइन में खड़े होने वाले थे तो ये ग्राफिटी बॉल $10 $5 और सीनियर सिटीजन को 7.50 वो प्रॉपर नेबरहुड होता है ना जैसे कि आप पिक्चरों में दिखाते हैं सेम वो वाली वाइब है यहाँ इस जगह के अंदर आ तो गए हैं अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस जगह को इतना स्पेशल बनाती हैं कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये बना हुआ है एक प्लेन है प्लेन के ऊपर आई थिंक ये जंक है पूरा कचरे से भर ट्रैश पूरे ट्रैश से यहाँ पर बिल्ली बनाई है कुछ तो बिल्ली बनी है रेशमा हाँ बिल्ली बनी है बहुत सारे
टैलेंटेड पेंटर्स ने यहाँ पर अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, बट ये सब देख के ना मुझे अपना इंडियाज़ गॉट टैलेंट याद आता है, जिसमें इतने सारे टैलेंटेड लोग आते हैं और अपने अपनी अपने अपने टैलेंट को पोर्ट्रेट करते हैं। बहुत खूबसूरत है, नॉट बैड, वेरी। बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट रहता है ऐसे ग्राफिटी पेंटिंग्स में, मेरा इंटरेस्ट कभी इतना रहा नहीं है, बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट छाता लेके इसको भी फोटो खींचनी है। इतनी अच्छी ग्राफिटी वॉल्स हैं, बट यार एक भी फोटो पता नहीं अच्छी नहीं आ रही है, क्या पता आज बैड फोटो डे है। बट कोई बात नहीं, अभी जहाँ हम लोग बीच पे जाएंगे ना, साउथ बीच, वहाँ पर ट्राई करेंगे अच्छी फोटोज़ खींचने का और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। प्लीज़ बताना कि कैसी लगी फोटोज़। थैंक यू, बाय बाय। आ जा रेशमा। बहुत लोग ऐसी लाइफ को बोलेंगे ग्लैमरस लाइफ, बहुत लोग बोलेंगे कि इनको शर्म नहीं आती है क्या, बट आई डोंट नो, ये फ्री माइंडेड लोग हैं यहाँ पर यार, मतलब कोई कुछ भी पहनता है, कैसा भी चलता है, कुछ भी करता है, बट हाँ बदतमीजी नहीं करते हैं ज़्यादातर, मैंने लोग देखे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, बुली नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते, कोई किसी को टॉन्ट नहीं मारता है, कोई कुछ बोलता नहीं, कह रहे ऐसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहने, एवरीबडी इज कूल, हैविंग फन, दे हैविंग अ गुड टाइम। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका कल्चर ही ऐसा है। ये तो आप लोग को देखना ही पड़ेगा, कितना पेट्रोल गया पता, $56 का 14 गैलन। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा पेट्रोल गए, फिर भी नो रिग्रेट्स, क्योंकि गाड़ी भाई इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा ही ना, तो वहाँ से निकले हैं और अभी यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। ये रेस्टोरेंट है शकर्स, शकर वाटर फ्रंट ग्रिल। यहाँ पर हम लोग आए खाना खाने के लिए, विशाल और सोफिया वो लोग गए हैं की वेस्ट, जहाँ हम लोग ऑलरेडी जाके आए, वो लोग न्यूजर्सी से लेट आए थे तो इसीलिए लेट गए हैं वहाँ पर, और जिगिशा आपको तो पता ही है, वो तो भाग गई हम लोग को छोड़ के, तो अभी हम लोग दोनों ही बचे हैं यहाँ पर। विशाल और सोफिया आज रात को वापस आने वाले हैं, मेरा अभी यहाँ पर खाना वाना खाते हैं, रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं, पूरा दिन भर से शूटिंग कर रहे थे, स्केटबोर्ड चला रहे थे, थोड़ा सा मैं भी थक गया हूँ, थोड़ी सी रेशमा भी थक गई है। हाय हाय हाय, सो लेट्स गो इनसाइड एंड हैव डिनर। 45 मिनट्स का वेट टाइम था, बट यहाँ बार में आप बैठ के अपना डिनर कर सकते हो, टेबल मिलने को एक घंटा है। मैंने सोचा कि यहाँ यहीं बैठ जाते हैं, अभी रेशमा को बुलाओ, तेरे को सुनाई नहीं देता ना, सिटी मारा, आवाज़ लगाया, तेरे को कुछ भी सुनाई नहीं देता, मेरे कान का प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, तेरे कान में एक देना पड़ेगा, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बैठ जा। चाचा जी को बोल थोड़ा आगे हो जाने के लिए, हड्डी नोच रहे हैं भाई, चाचा जी को बोल थोड़ा नहीं फैल गया है, इस साइड ही आ रहा है। ओके ओके, आर यू ओके? देखो लगा लोगों को इतने टाइम बाद बाहर निकलने का मौका मिला बिना मास्क के, तो लोग टूट पड़े हैं, मतलब इतनी भीड़ है ना कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता, और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। तो लगता है फाइनली रेशमा को कोई अच्छा टेबल मिल गया, क्या हो गया, जगह मिला, मिल गया टेबल, चल यहाँ बैठ के रिलैक्स। ओह थैंक यू सो मच, खाली ये हमेशा से मुझे पसंद है, वाटर फ्रंट, हाँ शांति मिली, हाँ रेस्टोरेंट अच्छा है ये वाला, क्या नाम है रेस्टोरेंट का, शकर। यहाँ सब लोग गाड़ी लेके आते हैं खाना खाने के लिए, और ये लोग अपनी बोट लेके आए हैं खाना खाने के लिए यहाँ पर, क्या बात है। वीडियो को इधर तक रखता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है, एंड सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ बी सेफ, बाय बाय, बाय रेशमा, बाय बाय। काफ़ी अच्छी वीडियो है, मैं शुगर मेला भी वेखी सारा का, बड़ी बेहतरीन वीडियो है, खास करके जो सिटी या कोई एरिया है जरा पेंटिंग वगैरह हुई बड़ी बेहतरीन है, दूसरा जरा जिते लंगर पीड़न लगे तो उत बह के व्यू भी बड़ा अच्छा है, बड़ी बेहतरीन, बड़ा ही कमाल दी। तो उम्मीद है कि जगह तुम वीडियो देखी है तो तुम पसंद आई होगी, जो पसंद आई है तो कमेंट्स योजी अगर और वीडियो कर सकते हो,
ते हुण दे तक अपना ख्याल रखो, जिन्ने तक नैक्सट वीडियो नहीं आती लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। मिलने नैक्सट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।